आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग फ़ोटो के चारों तरफ टेक्स्ट कैसे लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, एक इमेज, एक फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है और इधर भी देखिए टेक्स्ट लगे हुए हैं। तो इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत ही इजी और आसान तरीके से इस तरह से आप फ़ोटो के चारों तरफ टेक्स्ट लगा सकते हैं। और इस तरह का डिज़ाइन अक्सर आपने देखा होगा, मैगजीन्स में देखा होगा, किसी मॉडल का तस्वीर, किसी प्लेयर का तस्वीर या डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ोटोज़ देखा होगा। साथ में उसके बगल में देखिए इस तरह से टेक्स्ट लगे हुए रहते हैं। तो इलस्ट्रेटर में ये काम करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो इस पेज को थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ जिससे आप ये पेज अच्छी तरह से देख पाएँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करेंगे। ये देखिए बहुत ही, देखिए बहुत ही सिंपल है देखिए, और ज़्यादा खूबसूरती के साथ इसमें आपको इलस्ट्रेटर में आप इसे इजी तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये जो है डिज़ाइन है इसे मैं डिलीट करता हूँ और स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ कि इलस्ट्रेटर में कैसे करते हैं। इस तरह का अगर आपको डिज़ाइन बनाना है, कोई मैगज़ीन बनाना है या कोई पेज डिज़ाइन करना है और उसके चारों तरफ टेक्स्ट लगाना है तो कैसे करेंगे। तो फिलहाल इस देखिए मैं यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा डिज़ाइन को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं एडिट में जाके यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँगा और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लियर क्लियर कर दिया। अब उसके बाद ये जो पेज है देखिए, जो इलस्ट्रेटर में जो पेज हम लोग लेते हैं उसे हम लोग आर्टबोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने एक स्क्वायर शेप का देखिए यहाँ पे एक आर्टबोर्ड यानी पेज ले रखा है। अब इसके एग्जांपल के तौर पे मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे, एक पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, उसके बाद इमेज लाऊँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना है। तो यहाँ पर मैं ये जो टेक्स्ट टूल है, टाइप टूल जिसे हम लोग बोलते हैं, इस पर क्लिक किया मैंने। उसके बाद नॉर्मल सा मैंने इस तरह से एक टेक्स्ट फ्रेम इस तरह मैंने बना लिया। ये देखिए मैंने एक टेक्स्ट फ्रेम बना लिया। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टेक्स्ट देख सकते हैं आपको है यहाँ पे। अब इसे आप चाहें तो अलाइन भी कर सकते हैं इस टेक्स्ट को। तो यहाँ से मैं एक अलाइन, यहाँ से ये जो अलाइन लेफ्ट, इसको अलाइन लेफ्ट भी कर सकते हैं, जैसा आप अलाइन करना चाहें टेक्स्ट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल टेक्स्ट तो आ चुका है, देख सकते हैं। अब इस पर क्या करना है, अब टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। अब थोड़ा सा मैं बाहर ये इस पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आपको दिख रहा है। अब रहा सवाल तस्वीर, एक इमेज लेकर आते हैं, एक फ़ोटो लेकर आते हैं जिसमें इसके अंदर यहाँ पे लगाना है। और जो फ़ोटो के चारों तरफ जब टेक्स्ट लगाते हैं उसे हम लोग टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। तो एक तस्वीर लेकर आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मेनू बार है, फाइल में जाते हैं, ये फाइल मेनू में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लेस पर क्लिक किया मैंने। करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लेस का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और यहाँ पे देखिए एक तस्वीर है मॉडल का जो पीएनजी फॉर्मेट में है। पीएनजी फॉर्मेट का कहने का मतलब ये है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है। तो इस टाइप के फ़ोटो लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूँगा, फिर नीचे एक प्लेस का बटन दिया हुआ उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये मैंने क्लिक किया, इसे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है, उसे हटा दीजिएगा जो तस्वीर लेकर आते हैं। तो यहाँ पे इसको ऑफ़ कर दीजिएगा। तस्वीर को क्लिक किया, उसके बाद प्लेस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा आपका जो कर्सर है उसके साथ आपका तस्वीर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपका तस्वीर भी आ जाएगा। अब सिंपली उस फ़ोटो को, तस्वीर को इस तरह ड्रैग कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ला के रख दिया। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा, तो यहाँ पर लेयर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तो इसलिए घबराए नहीं, इसको ऑफ़ कर दीजिए। अब ये देखिए एक मॉडल का तस्वीर यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर अब देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं मॉडल को थोड़ा सा रीसाइजिंग कर देता हूँ तस्वीर को। ये देखिए अब देखिए फिलहाल अभी देखिए जो पीछे मेरा टेक्स्ट है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आप अच्छी तरह देख पाएँ। ये देखिए अब ये मॉडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए पीछे जो टेक्स्ट है वो देखिए ढक गया है। अब मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है इसके चारों तरफ ये लग जाए। अब करना क्या है आपको, ये जो टेक्स्ट, ये जो तस्वीर है उसको आपको सेलेक्ट करना है और ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको भी सिलेक्ट करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक सिंपली सिंपल क्या करना है, तस्वीर पे क्लिक करें, ये तस्वीर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद शिफ्ट की दबाएं और पीछे जो टेक्स्ट है उस पर क्लिक कर दें। तो क्या होगा, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर दिया। अब दोनों क्या हुआ, टेक्स्ट और तस्वीर दोनों को आपको सिलेक्ट करना है। अगर ऐसे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा तो एक और तरीका मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो भी देख लें आप। ये मैं थोड़ा सा पेज को छोटा किया। अब देखिए अभी भी दिख रहा है दोनों सिलेक्टेड है। बाहर क्लिक करता हूँ मैं, देखिए अभी कोई भी सिलेक्ट नहीं है। अब दोनों को इस तरह बाहर, जो पेज है उससे बाहर से इस तरह ड्रैग कर दे। अब क्या होगा,
आपका तस्वीर एंड प्लस आपका टेक्स्ट दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट ना दबा के करना चाहते हैं तो दोनों को इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा ऊपर मेनू बार है, ऑब्जेक्ट में जाएं, जाने के बाद एक लिस्ट आएगा, नीचे आइए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे टेक्स्ट रैप बोल के ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट रैप, उसके सब मेनू में जाएंगे, यहाँ पे देखिए मेक पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखा रहा है, इसको ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये मैं यहाँ पे ये देखिए मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ। करने के बाद थोड़ा सा समय, ये देखिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ। अब देखिए कितनी खूबसूरती के साथ देख सकते हैं टेक्स्ट जो मेरा, देखिए ये जो मॉडल है इसके चारों तरफ यहाँ पे लग गया, देख सकते हैं बहुत ईजी है। अब मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, वो देखिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए ये तस्वीर है और प्लस देखिए यहाँ पे इसके चारों बगल में देखिए टेक्स्ट यहाँ पे लग चुका है। अब आप चाहते हैं, नहीं भाई ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा इस फोटो को इधर अगर ड्रैग करते हैं तो क्या टेक्स्ट में रहेगा, देख लेते हैं। ये देखिए इसको मैं यहाँ से, ये लेयर वाला कभी कभी देखिए काम करते करते ये ऑन हो जाता है, इसलिए इसको क्लिक कर दें, ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तस्वीर पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर ड्रैग करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा जैसे भी तस्वीर को जिधर भी मैं मूव कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है ये अपने आप देखिए यहाँ पे सेट कर ले रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सेट कर ले रहा है। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको जिधर भी मन करे, बीच में, साइड में, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, कहीं भी आप चाहें तो इसे आप अपने मुताबिक, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, जैसे ये मॉडल है मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ लगाना है तो मॉडल पर इसे ड्रैग करके मैं इसको इधर ले जाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इधर आ गया, देख सकते हैं। फिर बाहर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब इधर भी देखिए मेरा टेक्स्ट, ये जो तस्वीर है इधर आ गया, टेक्स्ट मेरा ऑटोमेटिकली देखिए इधर सेट हो गया। तो इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें ज़्यादा आसान है, आपको सिर्फ तस्वीर पे क्लिक करना है और अपने मन मुताबिक आप इसको इधर से उधर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ, ये देखिए कितना सुंदर से देखिए यहाँ पर टेक्स्ट मेरा, ये तस्वीर के चारों तरफ देखिए इस तरह से मेरा ये टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है, इधर लग गया है, बहुत इजी है। अगर आप चाहते कि नहीं भाई अब मुझे, लेकिन याद रखिएगा जो भी तस्वीर आप लेकर आते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए अब मान लेते हैं आपको नहीं चाहिए कि नहीं मैं इसको अलग करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, फिर से दोनों को सिलेक्ट करें इस तरह ड्रैग करके। ये देखिए अब मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए इधर भी, देखिए इधर भी सेट हो गया, देखिए कितने अच्छी तरह से, देखिए इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी देखिए ऐड हो गया। तो कुछ नहीं है, सिंपल अब दोनों को इसको मैंने क्लिक किया, एक बार मैं क्लिक करता हूँ, उसके साथ टेक्स्ट को मैं शिफ्ट दबाकर इसको भी क्लिक किया, अब दोनों सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएँ यहाँ से, ये देखिए ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करें, नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए आप टेक्स्ट रैप है, रैप में जाएँ, यहाँ पर देखिए रिलीज़ है, रिलीज़ का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देखिए क्या हुआ, अब आपका टेक्स्ट जो है वो अलग है हो गया, आप प्लस आपका तस्वीर अलग हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों अलग अलग है, देख सकते हैं। ये देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब आपका टेक्स्ट रैपिंग यहाँ से हट गया। ये लेयर बार बार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये ऑन हो जा रहा बार बार, इस तरह अगर होता है तो यहाँ पर क्लिक कर दें, ये देखिए अलग हो गया, मतलब ये जो टेक्स्ट रैपिंग था वो हट गया, फोटो अलग हो गया प्लस आपका टेक्स्ट अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट रैपिंग करते हैं, मतलब दोनों को सिलेक्ट करके आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, वहाँ पे जाके टेक्स्ट रैप का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है तो टेक्स्ट रैप हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे करते हैं टेक्स्ट रैपिंग और टेक्स्ट के चारों तरफ टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, ये बहुत सिंपल और ईजी तरीका है। और भी कुछ जानना है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।